तो दोस्तों आ गया हूँ फिर से एक नया और फ्रेश वीडियो के साथ। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा और मेरा ओरिजिनल फोटो कुछ इस टाइप से है। तो इसी फोटो का ट्यूटोरियल मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले फ़ोटो को स्नैपशीट में शेयर करके टूल्स वाले ऑप्शन पर जाके और सबसे पहले अपना सेलेक्टिव टूल को सेलेक्ट करना है। अपने फेस पे जहाँ जहाँ भी आप लोग को लाइट कम लगे वहाँ पे लाइट बढ़ा लेना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही धांसू वीडियो होने वाला है। आरडी डेबू जैसा सीबी एडिटिंग का राज खुलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें यार बहुत ही खतरनाक बताने वाला हूँ। तो सिंपली ऐसे एम्बिवियंस एंड शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और बढ़ा के और टोटल कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। और इस पर जाने के बाद इसका हाई टोन्स जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, लो टोन को भी बढ़ा लेना 100% बढ़ा लेना है और मीडियम टोन को हमको रखना है 15 या 16 तक रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके डन कर लेंगे और सिंपली इस फोटो को शेयर कर लेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो में समझ लो सीबी एडिटिंग का राज खोलने वाला, एकदम रियल HD फोटो दिखाएंगे बना के कैसे बनता है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे होम स्क्रीन पर देखा और थंबनेल पर भी देखा होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं एलोन डिज़ाइन, तो इस पर आप लोगों को जो भी मिलेगा HD ओरिजिनल मिलेगा, कुछ भी फेक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद मैं ओपन कर चुका हूँ अपना लाइट रूम एप्लीकेशन, ठीक है। सो यहाँ से मैं अपना फ़ोटो ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ़ोटो और इसको हल्का सा हमको वाइट करना है, ठीक है। वाइट करेंगे, देखिए कितना ज़्यादा सीबी एडिटिंग में आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा वाइट होता है, तो मैं इसमें वाइट करूँगा। तो लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और हाईलाइट को सिंपली ज़ीरो कर लेना है और शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है 65%, ठीक है। और वाइट को एकदम 100% माइनस में रखना है और ब्लैक को भी माइनस में रखना है। आप लोगों को पता है कि फ़ोटो को पहले डार्क किया जाता है, डार्क करने के बाद ही होता है। उसके बाद रेड टोन का ह्यू थोड़ा सा कम करेंगे, सेचुरेशन बढ़ाएंगे और लुमियंस को भी बढ़ा लेंगे और ऑरेंज टोन का सेचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। पहले रेड टोन का बढ़ा लेते हैं, ऑरेंज टोन पर आ गए और इसका सेचुरेशन माइनस करेंगे और लुमियंस को एकदम 100% हाई कर लेना है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप, वीडियो थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैसे अपने फेस का कलर एकदम वाइट कर लिया है। सेम प्रोसेस आपको भी करना है और ऑरेंज टोन का सेचुरेशन थोड़ा सा ही कम करना है, ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर वाइट हो जाएगा, फिर भी बेकार लगेगा। तो सीबी एडिटिंग में आप लोगों को काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। सो देख सकते हैं मैंने कैसे अपने फ़ोटो को वाइट किया है काफ़ी अच्छे से। और वाइट करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, क्लियरिटी एंड विग्नेट, ठीक है। क्लियरिटी को सबसे पहले 38% बढ़ाएंगे तो हमारे फेस का क्लियरिटी जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और शार्पनिंग को बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो और भी फोटो शार्प होकर क्लियर हो जाता है। और नॉइज रिडक्शन और थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डिटेल्स और स्मूथनेस को फुल रखेंगे और इन दोनों को इनेबल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। सो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो अभी इतना भी हम लोग फोटो को सिंपली सेव करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप। सो अभी आप फोटो को हम सेव करेंगे, ठीक है। सेव शेयर करेंगे यहाँ से और चलेंगे अपने स्केच बुक ऑटोडेक्स एप्लीकेशन के अंदर फेस को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड वाइट करने के लिए ऑटोडेक्स में बताते हैं, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कैसे ऑटोडेक्स में फेस को स्मूथ किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, सबसे पहले चले जाना है अपने कलर वाले ऑप्शन पर और इसमें से आके एक कलर ले लेना है, ठीक है। और ये वाला ब्रश ले लेना है। ब्रश को लेने के बाद फ्लो एंड स्ट्रेंथ को देख सकते हैं कितना कितना रखना है और साइज़ को अपने हिसाब से बढ़ा लेना है और फेस को सिंपली ऐसे स्मूथ कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं मैं कैसे स्मूथ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो रहा है, ऐसे ही आप लोगों को भी स्मूथ कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा, काफ़ी मस्त लगेगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ऑटोडेक्स में, आप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो यार बहुत ही रियल बनाता हूँ मैं, बहुत ही मेहनत करता हूँ वीडियो में, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं एक वीडियो बन के तैयार होता है बहुत ही तगड़ा, जो कि आप लोग के लिए मैं इतनी रात रात को मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से फ़ोटो बना पाए और किसी को कहने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सो मैं फेस को स्मूथ कर रहा हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया वीडियो को ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए।
और समझ पाओ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, बिल्कुल होगा, 18 या 20 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि यार वीडियो में जब ओरिजिनल चीज़ बताएंगे तो टाइम तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं भी पूरे YouTube चैनल पे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं विश्वास हो तो आप लोग किसी और के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, मेरे इतना रियल कोई नहीं बताता है, सारे लोग फेक ही बताते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग हर एक चीज़ रियल बताने का। सो आप लोग सीखिए और अपना भी फ़ोटो एडिटिंग कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सो मैं देख सकते हैं कैसे कैसे फेस को अपने स्मूथ कर रहा हूँ, फेस को स्मूथ करने के बाद का जो प्रोसेस है, फेस को और भी ज़्यादा वाइट करना है और लिप्स का कलर करना है, वो सारा चीज़ मैं ऑटोडेस्क में ही करके बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे होता है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक भी स्टेप, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फुल वॉच करना वीडियो को। अगर एक भी स्टेप मिस नहीं करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे आप लोग मेरे चैनल से, और जो भी हमारे चैनल पे आते हैं वो सीख के ही जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। सो अभी का वीडियो जो भी आ रहा है बैक टू बैक बहुत ही तगड़ा तगड़ा वीडियो आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरा लेटेस्ट वीडियो। तो ऐसे ही आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, और भी तगड़ा तगड़ा वीडियो आने वाला है, ठीक है। जैसे मेरा वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे तगड़ा वीडियो आएगा मेरे चैनल पर, बस यही बात है। सो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तो और भी अच्छा सा हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से अभी देख सकते हैं मैंने अपने हैंड पे स्मूथ कर लेना है, मैंने अपना फेस अच्छे से कर लिया, बस हैंड पे करना है, बाकी रह गया है। हैंड पे भी हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं हैंड पे भी अच्छे से स्मूथ कर रहा हूँ, सो देख सकते हैं बस थोड़ा सा बच गया है, हो गया। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से आज मेरा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाख प्लस हो गया है। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत ही जल्द 1 मिलियन भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने कैसे अपने फेस को एकदम अच्छे से वाइट पूरा स्मूथ कर लिया है, और स्मूथ करने के बाद अभी हम चलेंगे दूसरे वाले ब्रश में, ठीक है। तो अभी दूसरा वाला ब्रश लेंगे, हार्ड इरेजर वाला ब्रश लेंगे, और इससे हम बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, ठीक है। हार्ड इरेजर वाला ब्रश लेंगे और इसका देख सकते हैं साइज़ बढ़ा लेना है थोड़ा सा, और दूसरा यहाँ से हम ऐसे करके इसको इरेज करेंगे, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कटआउट बोलते हैं, यहीं से आप लोग बैकग्राउंड भी कटआउट कर सकते हैं और दूसरे बैकग्राउंड में सेट भी कर सकते हैं, और इससे ये फ़ायदा होता है कि पिक्सआर्ट का कोई भी क्लियरिटी, पिक्सआर्ट में होता है थोड़ा बहुत क्लियरिटी कम हो जाता है, लेकिन ऑटोडेस्क स्केचबुक में बिल्कुल भी क्वालिटी कम नहीं होता है, आपका फ़ोटो का डिटेल्स जो रहेगा सब कुछ सेफ बच जाएगा, ठीक है। सो ऐसे देख सकते हैं ऐसे ही करके कटआउट करना है, बस मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोग कर लीजिएगा। सो ऐसे ही आप लोगों को कटआउट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम यही वाला ब्रश चलाना है, और ध्यान से बारीकी से थोड़ा टाइम दे के आप लोगों को अपने फ़ोटो को अच्छे से कटआउट कर लेना है हार्ड इरेजर ब्रश से, ठीक है। सो देख सकते हैं कैसे कट रहा है। तो एक बार और आप लोगों से बोल देते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी लोग मेरा ये नया वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यार रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, एक सब्सक्राइब में आप लोगों का क्या जाता है, एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको भी एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो बस कुछ इस टाइप से अपने इसको कर लेना है, फास्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी से अपना कर लेता हूँ, ठीक है, कटआउट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से पूरा ड्रॉ करके कटआउट कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से पूरा ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा भी बचा नहीं है, ऐसे टाइम देके कर लेना है और सेव इमेज पे चले जाना है, ठीक है, सेव कर लेना है फ़ोटो को, ऐसे कुछ इस टाइप से सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद देखिए मैं बताता हूँ फिर से कैसे करना है, अपने आ जाना है गैलरी में और अपना एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लूँगा, सो एक बैकग्राउंड है जो कि CV एडिटिंग वाला बहुत ही अच्छा है, एकदम RD डेबू जैसा फ़ोटो एडिटिंग होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी थोड़ा भी कुछ भी इसमें कमी नहीं रहेगा, ठीक है, आप लोग एकदम कर सकते हैं वैसे ही। सो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले कुछ इस टाइप से फ़ोटो को शेयर कर लेना है, और शेयर करने के बाद ऐसे मॉडल वाला रख लेना है, नया लेयर बना लेना है, ठीक है, प्लस वाले आइकन पर जाके। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि पहले इसी कटआउट वाले फ़ोटो को शेयर कर लेना अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, गैलरी में जाके कटआउट वाले फ़ोटो को अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लीजिएगा, और उसके बाद से अगला प्रोसेस ये है इसको वाइट कैसे करना है और बैकग्राउंड में फ़ोटो कैसे लगाना है। तो इम्पोर्ट इमेज पे जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे, और इसमें जाने के बाद एक इसमें का बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड है, इसको अपने फ़ोटो के हिसाब से सबसे पहले तो बड़ा कर लेंगे, देख सकते हैं मैंने एकदम एक्चुअली एकदम बड़ा कर लिया है, और इसको नीचे कर देंगे, देख सकते हैं मैंने कटआउट भी करके इसी में बैकग्राउंड को भी एडजस्ट कर लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद से
कितना आसान तरीके से मैंने किया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ना समझ में आया तो वीडियो को डाउनलोड करके स्लो भी करके देख सकते हैं। फिर से एक नया लेयर बनाएंगे। नया लेयर बनाने के बाद चले जाना अपने लाइब्रेरी में और इसमें मीडियम ब्रश को ले लेना है, ठीक है। मीडियम ब्रश देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है ना। मीडियम ब्रश लेके और सिंपली इसमें चले जाना है इसके सेटिंग में, ब्लेंड मोड में, और इसको सॉफ्ट लाइट पे रख लेना है। सॉफ्ट लाइट रखने के बाद अपने फेस पे कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है, ठीक है। वाइट कलर चूज़ करके ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपका फेस पूरा हो जाएगा वाइट, और भी ज़्यादा वाइट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी से ड्रॉ करके वाइट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी से एकदम वाइट कर लिया, ठीक है ना। एकदम फास्ट कर रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा वाइट कर लिया है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा एकदम ओवर खतरनाक एकदम वाइट लग रहा है। सीवी एडिटिंग में इसी टाइप का वाइट होता है, तब जाके फोटो आपका कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा वाइट बनाया हूँ, और कैसे बनाया हूँ सारा चीज़ मैं आप लोग को प्रोसेस बताया, और आगे क्या क्या करना है, और भी फ़ोटो में चमक लाने के लिए, कपड़े पे चमक लाने के लिए, वो सब मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइट लग रहा था। तो हम इसको 50% पे रख लेंगे, ठीक है। और हमने वाइट कर लिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और अभी हम चलते हैं कलर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से अपना लिप्स का कलर करेंगे, ठीक है। मीडियम ब्रश लिए थे तो अभी यहाँ से एयर ब्रश ले लेंगे। एयर ब्रश लेने के बाद इसका सेटिंग हम लोग इतना करके और आराम से हम अपने लिप्स का कलर कर लेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ रेड कलर। सो कुछ इस टाइप से आप लोगों को भी कर लेना है, अपने लिप्स का कलर करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने लिप्स का भी कलर कर लिया है काफ़ी अच्छे से, और इसको हम थोड़ा सा और कम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ओवर लग रहा है तो हम कम करके बनाएंगे, वो तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से ऑपेसिटी इसका कम करेंगे, ठीक है। ऑपेसिटी हम 20 या 23% रखेंगे, हमारा रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद से इम्पोर्ट इमेज में जाके और अपना एक और जो चीज़ है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक भी स्टेप, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिए। तो अभी हम चलते अपने फाइल में आ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, खोजने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये वाला PNG है जिसको नीचे लगाना है, सीवी एडिटिंग में ये भी ज़रूरी रहता है। और यहाँ से इसका कलर भी चेंज करेंगे, ह्यू पे जाके और इसका सेम टू सेम कलर रख लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने कैसे कलर किया, इसका ह्यू पे जाके और डन कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको मैंने काफ़ी अच्छे से बना लिया है और एकदम कलर मैच कर रहा है, ठीक है। और हल्का सा इसका इतना होने के बाद नीचे हमने अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद से फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा और प्रोसेस रह गया है जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और यहाँ से आप अपना एक मोम वाला, हेलो मोम वाला PNG है, इसको यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। सो देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी मेहनत से और ऑटोडेस्क में ही इसको बना लिया है काफ़ी अच्छे से। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना है और मल्टीप्लाई स्क्रीन पे करना है, स्क्रीन पे रखेंगे तब जाके कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पर रख लिया है और काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोटो को बना लिया है। तो बस यही था आज का एक छोटा सा वीडियो, इसे सेव कर लेना है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो